नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थ इज वेल 0610 में। मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता आनंद, आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी दूंगा जिसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। देखिए, आज बहुत से फीवर होने लगे, बहुत से ऐसे खतरनाक फीवर होने लगे हैं जिसके मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग बहुत जल्दी 2-3 दिन में 4 दिन में 5 दिन में ही आदमी की मृत्यु हो जाती है। जैसे डेंगू का है, चिकनगुनिया है, या फिर जीका वायरस आ गया है, या स्वाइन फ्लू है, ऐसे बहुत से फीवर है जिनकी वजह से आदमी अगर ध्यान नहीं देता है, वक्त रहते डायग्नोस नहीं होता, तो 4-5 दिन में ही आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे फीवर से बचने के लिए मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा जिससे आपको ऐसे फीवर से बच जाएंगे, बहुत जल्दी बच सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ, वो आप ज़रूर देखिए। ये सबके काम की चीज़ है, आपको सब काम छोड़ के अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा एंड तक। देखिए, आज बहुत से देखिए आप देखते कि ऐसे खतरनाक फीवर आप भी सुनते होंगे कि होने लगा है, तो मुझे बहुत दुख होता है। उसी के लिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया है कि किसी की मृत्यु ना हो, आप समय रहते इलाज करा लीजिए। देखिए, आए दिन आप हर पता नहीं क्या हो गया है हमारे देश में, हर 2-3 साल में एक नया ऐसा फीवर आ जाता है जिसको, जैसे कभी जीका आ जाता है, कभी स्वाइन फ्लू आ जाता है, कभी डेंगू जैसा खतरनाक फीवर आ जाता है जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसा पता नहीं कि ये एक जांच का विषय है कि ऐसा फीवर क्यों आता है, क्या ये सही में है या ऐसे किस फैलाया जाता है, कुछ ऐसे वायरस ला के उनको फैलाया जाता है, कुछ फार्मा कंपनियों द्वारा अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए उसका एंटीडोट बनाते हैं, उसका टेस्ट किट बनाते हैं, ऐसा बहुत सा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ इसमें गड़बड़ी मेरे को लगती है कि हर 2-3 साल में ऐसा कोई ना कोई एक हमारे देश में आ जाता है फीवर नया का। तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक कुछ हो सकता है, कुछ फार्मा कंपनियों का बड़े पैसा कमाने के लिए बहुत से लोगों का ये हो सकता है, तो इस पर हो सकता है। लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि ऐसे फीवर से, ऐसी चीज़ों से, ऐसे वायरस से, ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए आपकी इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। आयुर्वेद भी ऐसा बोलता है, एक्यूप्रेशर भी ऐसा बोलता है, और नेचुरोपैथी भी ऐसी ही बोलती है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ताकि जल्दी आपको इस ये जो वायरस है, ये जो फीवर है, जो इन्फेक्शन है, जल्दी से अटैक ना करे। अगर आपकी आपके बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो ऐसे फीवर जल्दी से अटैक नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या करें, कैसी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। देखिए, उसके लिए एक्यूप्रेशर में क्या करना है कि आपको कलर थेरेपी का यूज़ करना है। ऐसे एक ब्लैक कलर का मार्कर लेना है, उसको आपको ब्लैक कलर को लेफ्ट हैंड पे इस तरह से यहाँ पे लगा लेना है, एक यहाँ लगाना है और एक ऐसे लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपको लगा के रखना है। ये दोनों इंडेक्स, दोनों मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में सीधे यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ, ये तीन जगह आपको इस तरह से करके रखना है। बच्चे आपके बाहर जा रहे हैं, ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो ऐसा करके निकलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके बच्चों की, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर ऐसा दिन में करने में स्कूल में कुछ प्रॉब्लम है तो आप शाम को कर लीजिए स्कूल के आने के बाद, लेकिन ऐसा ज़रूर कीजिए। और यात्रा में जाते समय ज़रूर इसको कीजिए, ट्रैवलिंग के टाइम में इसको ज़रूर कीजिए। कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, तो ऐसा करके निकलेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर में एक इसके अलावा भी पॉइंट है, TW15 ट्रिपल वार्मर 15 पॉइंट है, वो लगभग आपके देखिए इस फिंगर में लगभग यहाँ पर आता है, ये देखिए यहाँ पर आता है, ये पॉइंट ट्रिपल वार्मर 15 यहाँ पर आता है, यहाँ ऐसे ही साथ में देखिए लगभग यहाँ आता है ये पॉइंट, यहाँ पर, यहाँ पे आपको कहना प्रेशर देना है। और आपको अगर आपके पास मैग्नेट है तो आपको ब्योल मैग्नेट को लगाकर इसको टोन करना है, यानी कि वाइट मैग्नेट विजिबल रखना, वाइट साइड मैग्नेट की विजिबल रखनी है। इस तरह से आपको यहाँ पर लगा देना है, ऐसे ऐसे ही साथ में भी आपको ट्रिपल वार्मर 15 पे ये पॉइंट लगा देना है, ट्रिपल वार्मर 15 पर वाइट मैग्नेट लगाना, वाइट विजिबल रहेगा लगने के बाद। ये देखिए, इस तरह से आपको लगा देना है, ये देखिए ऐसे दोनों हाथों पे ऐसे लगाना है, वही कलर लेफ्ट हैंड पे आपको इस तरह से ब्लैक कलर तीन जगह लगाना है, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा आपको एक काम और करना है कि आपको ऑर्गेनिक आंवला लाना है। आंवला बहुत अच्छा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर है। आयुर्वेद में बहुत सी चीज़ें ऐसे, खासतौर पर आंवला और तुलसी, तुलसी और आंवला बहुत ही अच्छा, जो
बहुत सारे सारे इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। एक तो आंवला लीजिए, आपको कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक आंवला ले लें। ऑर्गेनिक आंवला मिलेगा तो आप उसको लेके आपको क्या करना है, उसको पीसिए का आंवले के रस में ही आपको पीसना है। आंवले को सूखा कर आंवले के रस में उसको पीसना है, 7 बार ऐसा करना है। एक बार पीसा, फिर जब उसमें आंवले का पूरा रस मिक्स हो जाएगा, सुखाइए, फिर से पीसिए, ऐसा 7 बार करना है। वैसे मार्केट में आमल की रसायन के नाम से मिलता है, वो भी है, लेकिन वो ऑर्गेनिक शायद नहीं होता है और वो शायद इतनी उससे नहीं बनाते, तो आप ये खुद बना सकते हैं। या आपके आसपास में वैद्य लोग हैं, पुराने लोग हैं जो बनाते हो के, उनसे आप बनवा सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। या आप कहेंगे तो मैं आपको कुछ एड्रेस दे दूँगा जिनसे मैं लेता हूँ, जो समाज सेवा के नाम से शुद्ध ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना के आपके घर में भिजवा देंगे, जो आज ये ऑर्गेनिक आंवला आपके घर में पाउडर भिजवा देंगे, तुलसी के पत्तों का पाउडर भिजवा देंगे, तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से मैं लेता हूँ तो आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे एक बेबी मैडम है, कोनिका मैडम है, इन लोगों से आप मंगवा सकते हैं। मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बहुत कम मूल्य में अच्छी चीज़ वो आपको उपलब्ध करवा सकते हैं, मैं आपको नंबर दूंगा। तो देखिए क्या करना है आपको, आंवले को जो इतना 7 बार आंवले के रस में भावना देकर जो करना है, वो आंवल की एक तरह से रसायन तैयार हो जाएगा, शुद्ध आमल की रसायन, मतलब ऑर्गेनिक आमले का आमल की रसायन होगा जो बहुत ही पावरफुल होगा। आपको उसको 1 चम्मच सुबह खाना है, डेली रूटीन बना लीजिएगा, 1 चम्मच कम से कम, 1 चम्मच उसको जरूर खाना है। और बच्चे हैं तो छोटे बच्चे, उनको आप 1/2 चम्मच दीजिए, जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनको बिल्कुल चुटकी भर दीजिए, और शहद के साथ देना बिल्कुल छोटे बच्चों को। और इसके अलावा अगर बहुत छोटे बच्चे, गोद 1 साल से कम के बच्चे, तो आप उनकी माताओं को ये खिला सकते हैं, माँ को खिलाएंगे तो बच्चों को भी ये असर होगा, तो ये आप ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आंवला मिल लिया और उसी में 1/2 चम्मच तुलसी भी साथ में लेना है, तुलसी के पत्ते, या तो आप मिक्स करके रख लीजिए, 100 ग्राम आंवला लिया और 50 ग्राम तुलसी का पैकेट अलग से आता है, आप यहाँ से मंगाएंगे जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आंवला आएगा 100 ग्राम और तुलसी 100 ग्राम का पैकेट आएगा, दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। दोनों को मिक्स करके आप डेली 1 से 1.5 चम्मच लीजिएगा, और इसको ज़्यादा भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, 2 टाइम भी ले सकते हैं आप, मौसम चेंज होने पर, सर्दी में ऐसे टाइम पर जहाँ इन्फेक्शन का खतरा हो वहाँ आप 2 टाइम भी ले सकते हैं, या आपकी कमजोरी है तो आप इसको 2 टाइम भी लेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये 2 काम करेंगे आप, ये और साथ में ये 2 चीज़ें लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा जब मौसम चेंज होता है, कोई भी मौसम जैसे चेंज हुआ, तो उस टाइम आप गिलोय आता है, ऑर्गेनिक गिलोय भी ये लोग बेचते हैं, ऑर्गेनिक गिलोय लाकर उसकी लकड़ी आती है, आप लकड़ी आपके गाँव में भी मिल जाएगी शुद्ध लकड़ी, तो वो लकड़ी ला कर आपको उसको बॉयल करके उसका पानी पीना है। जब भी मौसम चेंज हुआ उसको पानी को बच्चों को पिलाइएगा, खुद पीजिएगा, ये आपको जब मौसम चेंज होने से आपको लग रहा है कि अभी इन्फेक्शन का, वायरल का, फीवर का मौसम आ गया कि इसमें अभी आएगा ऐसे फीवर हमें अटैक करेगा, तो उस टाइम आप पहले से ही 15 दिन 1 महीने पहले से पिलाना शुरू कर देंगे, तो उससे आप इन इन्फेक्शन से, वायरल फीवर से, ऐसे फीवर से, ख़तरनाक बीमारियों से आप बच जाएंगे, आप और आपका परिवार बचा रहेगा अगर आप पहले से इसको पिलाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप ज़रूर कीजिएगा, इसको ज़रूर 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 कीजिएगा। आप, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया, आप मंगा लीजिए, बहुत कम मूल्य में आपको मिलेगा 100 ग्राम, और वो 150 ग्राम मिलकर मेरे को नहीं लगता 250 से ऊपर का वो होगा। और आप जब हमारे यहाँ से मैग्नेट और ये पेन मंगाते, आप कलर कोई भी यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ कुछ स्पेशल एनर्जाइज कलर रहता है, बल्कि कुछ आम नॉर्मल पेन को एनर्जाइज किया जाता है, सिर्फ कुछ विद्वानों द्वारा वो पेन रहता है, वो आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं, या ये दोनों, ये हमारे यहाँ से मंगाइए और वो वहाँ से मंगा के आप एक किट बना के आप लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं, अपने यहाँ अपने यार दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने परिवार रिश्तेदार में गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज़ है। छोटी सी चीज़ है, आपको 400-500 रुपया भी कॉस्ट नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके लिए ये और आपके चाहने वालों के लिए ये 50,000 से भी कीमती गिफ्ट के बराबर रहेगा, क्योंकि इससे आपकी और आपके चाहने वालों की जान बच सकती है। मैंने तो अपने सेंटर पे अभी नेक्स्ट ईयर से, नए साल से अभी इसको स्टार्ट भी करने वाला हूँ, फ्री में देने के लिए, जो भी मेरे यहाँ कस्टमर आए, कि जो भी क्लाइंट आएंगे उनको मैं फ्री में देने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत चिंतित हूँ ये सब में, ये देखते हुए कि कैसे लोगों की मृत्यु हो रही है, तो बहुत दुख होता है ऐसे फीवरों में होता है, तो इसलिए मैं ये फ्री में गिफ्ट देने वाला हूँ। जो भी होगा, मैं जितने लोग मेरे पास आएगा उनको मैं गिफ्ट दूंगा। अगर आप मेरे यहाँ सेंटर पे कभी आते हैं तो आप जरूर लेके जाइए, आपको जरूर मिलेगा, तो आप लेके जाइएगा मेरे सेंटर पे आएंगे, तो नहीं तो आप जो मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन वहाँ से मंगा लीजिए। और ये पेन हुई है आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, बहुत कम मूल्य पर हम आपको देंगे, ये आप मंगवा लीजिए तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, आपके परिवार के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, आपके अपनों की जान बची रहेगी, आपको इन्फेक्शन फीवर ऐसे होने के 60% से ज़्यादा चांस कम हो जाएंगे, और
और बहुत इसके अलावा आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। ये नहीं कि ये सिर्फ इन्फेक्शन से ही बचाएगा या ऐसे फीवर से ही बचाएगा, और इसके अलावा बहुत सी बीमारियों से जो इम्यूनिटी वीक होने की वजह से बीमारी होती है उन सबसे आप बचे रहेंगे, आपका परिवार बचा रहेगा। तो मैं तो बोलूँगा अगर आप समाज सेवा चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चाहे बहुत अच्छा होगा, और साथ ही साथ ये लोगों में गिफ्ट कीजिए, बांटिएगा, अपने स्टाफ में बांटिए, अपने कोलीग्स में बांटिए, उनको बताइए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर कीजिएगा ऐसा, तो आपके लिए आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ये ज़रूरी नहीं यहाँ से मंगाएं, अगर आपके वहाँ मिलते तो आप वहाँ से लेकर तैयार करिए, आपको मैग्नेट कहीं मिलता है तो मैग्नेट लेकर वो आप कीजिए, लेकिन ये काम ज़रूर कीजिएगा, तो आपके लिए आपके परिवार के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, आप इसको ज़रूर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। और हाँ, अगर आपको ऐसा कोई फीवर हो गया है तो उसमें आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। अगर डॉक्टर भी बोलते हैं 3 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए, आप नहीं, लेकिन आपको टेस्ट जरूर करवा लीजिए, क्योंकि फीवर ख़तरनाक है उस पर। और इसके अलावा अगर आपको फीवर हो गया तो आपको कुछ मत खाइए, इसमें कम से कम आपको नारियल पानी जरूर पीना है, मौसमी का जूस या संतरे का जूस जरूर पीना है ऐसे किसी भी फीवर होने पर। और साथ ही साथ आप डॉक्टर को दिखाइए, वक्त रहते ही टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि वक्त रहते ही इसका डायग्नोस होगा तो आप उतनी जल्दी ठीक हो सकते हैं। आप कोई भी पैथी में जाइए, मैं नहीं बोलूँगा किस में आप जाते हैं, कौन सा इलाज कराते हैं, लेकिन वक्त रहते डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी आपके चाहने वालों की जान बच जाएगी। नहीं तो इसमें लेट अगर कर दिया तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है आपको। तो इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा, जैसा ही आजकल फीवर होता है उसमें लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, हल्के में मत लीजिए, चाहे आपको मालूम है कि वायरल फीवर ही है, नॉर्मल वायरल फीवर भी आप उसके टेस्ट करा लीजिए, कुछ नहीं तो पहले दिन कम से कम CVC तो आप करवा ही लीजिए, तो उसमें भी आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा, आपके डॉक्टर को थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा, और उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको लापरवाही मत कीजिए, तुरंत जितना आप डायग्नोस कराते हैं उतने करवाते रहिएगा, क्योंकि इसमें लेट होने पर बहुत जान की कीमत चुकानी पड़ती है। तो मैं कहूँगा आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपना, अपने चाहने वालों का, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।